किसी भी ग्रंथ में जो भी कहा गया है, दुनिया भर के तमाम हितेच्छुओं ने, गुरुओं ने जो भी कहा है, वो मूल रूप से एक ही है। कहने वाले में अंतर नहीं होता ग्रंथों में, लेकिन फिर भी अंतर पाए जाते हैं। तुलना मत करिएगा, तुलना करेंगे तो आपको अंतर ही अंतर दिखेंगे, हालांकि कहने वाले में कभी कोई अंतर नहीं होता। आप पूछेंगे फिर अंतर होता क्यों है, जब कहने वाला एक है तो फिर ग्रंथ अलग अलग क्यों हैं, शब्द अलग अलग क्यों हैं? वो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन और जनक में अंतर होता है, सुनने वाले में अंतर होता है। जो बात आज मैं आपसे कह रहा हूं वो मैंने पिछले रविवार नहीं कही थी, और अगले रविवार का भी कोई भरोसा नहीं। आप जिस मनोदशा में हैं, जो आपका प्रश्न है, उसके अनुसार मेरा उत्तर आता है, और उत्तर कई बार बड़े अलग अलग होते हैं। कहने वाला एक है, सुनने वाले का अंतर होता है। इसीलिए कभी भी न तो धर्म ग्रंथों की आपस में तुलना की जानी चाहिए, न एक वक्ता के शब्दों की तुलना दूसरे वक्ता से की जानी चाहिए। एक वक्ता के शब्दों की तुलना उसी के द्वारा कहे गए दूसरे शब्दों से भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि माहौल का अंतर है, बात का अंतर है, सुनने वाले का अंतर है। जो इस वक्त उपयुक्त है आपसे अभी कहा, जो आगे ठीक होगा आगे कहूंगा, जो सम्यक है वो चिरंतर बदलता रहता है। तुलना करेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो क्या करें, तुलना ना करें तो क्या करें? मात्र सुने। भूलिएगा नहीं कि जब आप दो चीजों में तुलना करते हैं तो तुलना करने वाले तो आप ही होते हैं ना। फर्क नहीं पड़ता कि आपने अ और ब में तुलना की तो आपने बेहतर या श्रेष्ठतर किसको समझाया। अगर कहा कि अश्रेष्ठ है तो किसने कहा, किसने कहा? आपने, तुलना करने वाले मन ने। और यदि कहा कि ब श्रेष्ठ है तो किसने कहा? आपने। अ और ब तो खिलौने हैं, प्यादे। राजा कौन रह गया? राजा तो आप ही रह गए ना। इसीलिए जब भी सुने तो कभी तुलना ना करें। सुनने से वो घुलता है जो तुलना करता है, और उसी से तो आपको मुक्ति चाहिए। और तुलना करने से वो और बली होता है जो तुलना करता है। बुद्धि हमारी साधारणतया ये कहती है कि तुलना करेंगे तो सत्य का पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुलना करेंगे तो वही रह जाएंगे जो तुलना करता है। वो तुला आप ही हैं जिस पर तोला जा रहा है। ये पलड़ा भारी हो या ये पलड़ा भारी हो, तुला तो तुला ही रहती है ना। कभी देखा है तराजू को बदलते हुए? वजन कम ज्यादा होते रहते हैं, तराजू वैसा ही रह जाता है। तराजू आप हैं, आपको वैसा ही रह जाना है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तुलना को ऊर्जा आप ही देते हैं। अगर यह पूछा होता कि तुलना न करें तो क्या करें, तो मैं निरुत्तर होता, क्योंकि तुलना न करें तो फिर जो होता है वो स्वयमेव होता है, वो बताने की बात नहीं है। लेकिन तुलना तो आप ही करते हैं, ये आपका अपना कर्ता भाव है, और ये आपका चुनाव होता है कि आप उसे ऊर्जा देंगे या नहीं देंगे। आप उसे किसी भी बिंदु पर रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि आपने करा है। जो आपने करा है वो आप रोक भी सकते हैं। हाँ, तुलना के आगे, तुलना पर्यंत जो है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप पूछें कि सुनने की कोई विधि बताइए,
क्या सुनना मेरे हाथ में है? तो मैं कहूंगा नहीं, सुनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन न सुनना आपके हाथ में जरूर है। आप तुलना कर करके न सुनने का आयोजन करते हैं, तो न सुनना रोकिए। सुनना अपने आप होता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपने आप होता है। बहुत बढ़िया। बेसिक डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन विवेक है, तुलना नहीं। तुलना हमेशा आपके संस्कारों और विचारों का उत्पाद होती है। आप कहते हो कि ये लूं कि ये लूं। डिस्क्रीशन विवेक होता है, डिस्क्रीशन उन विषयों को ही नहीं देखता जिनकी परस्पर तुलना की जा रही है, वो तुलना करने वाले को भी देखता है। ये अंतर है। कंपैरिजन और डिस्क्रीशन अलग अलग बातें हैं, इनको आपस में जोड़ के मत देखिएगा, इनका कन्फ्लेशन मत कर दीजिएगा। अलग अलग तलों की बातें हैं ये। चूंकि हमारे पास विवेक डिस्क्रीशन नहीं होता, इसीलिए हम कंपैरिजन तुलना का सहारा लेते हैं। जिसके पास विवेक होता है वो ये तो देखता ही है कि इसकी और इसकी तुलना हो रही है, साथ ही ये भी देखता है कि तुलना कर कौन रहा है। अरे हम ही तो कर रहे हैं और अपने पैमानों पर ही तो करेंगे। जब तुला ही टेढ़ी है, जब तुला ही पूर्वाग्रह ग्रस्त है, तो तुला जो भी नतीजे दिखा रही है वो सम्यक कैसे हो सकते हैं? किसी ऐसी मशीन पर अपना वजन लेना चाहोगी जो 5 किलो ज्यादा दिखाती हो? ये बायस्ड मशीन है ना, पूर्वाग्रह ग्रस्त है। लेकिन ऐसी पर जरूर लेना चाहोगी जो 5 किलो। तुलना करने में यही गड़बड़ हो जाती है। जिस यंत्र के माध्यम से तुलना कर रहे हो वो यंत्र तुम हो, और तुम यदि समूचे होते, तुम यदि स्वस्थ होते, तो तुम्हें तुलना की आवश्यकता क्या पड़ती? तुम तो सहज ही जान जाते। सहज नहीं जान पाए तभी तो ठहर करके विचार करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। यही प्रमाण है इस बात का कि तुम तुलना के योग्य ही नहीं हो। जब अभी तुलना करने की पात्रता नहीं तो तुलना करते क्यों हो? मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा तुलना वो करते हैं जिनमें तुलना करने की पात्रता ही नहीं होती। जिनमें पात्रता होती है उन्हें करने की आवश्यकता नहीं होती। विवेक का अर्थ है विषय और विषयी को एक साथ देखना। ये जो ज्ञान की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें सामने कुछ है, इधर कुछ है और उनके मध्य कुछ है, इन तीनों को एक साथ देखना, ये त्रैत होता है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञे, इनको सबको एक साथ देखना। शास्त्रीय रूप से विवेक डिस्क्रीशन की परिभाषा दी गई है कि ये जानना कि क्या मानसिक है और क्या नहीं। आप यदि शंकर से पूछेंगे कि विवेक माने क्या, तो आपसे कहेंगे विवेक है नित्य और अनित्य के भेद को जानना। नित्य अनित्य छोड़िए, बस इतना समझ लीजिए कि विवेक है मानसिक और अमानसिक के भेद को जानना। क्या है जो मात्र लहर की तरह मेरे मानस पटल पर आता जाता रहता है, और क्या है जो समयातीत है, शाश्वत है? शाश्वतता किसमें है? शाश्वतता सत्य न उसमें है जिसे आप देख रहे हो, न उसमें है जो देख रहा है। शाश्वतता है ये जानने में कि ये दोनों ही अनित्य हैं। यही विवेक है। विवेक है गंभीरता से न लेना उनको जिनकी आप तुलना कर रहे हो, और उसको भी नहीं जो तुलना कर रहा है। बात आ रही समझ में?
जीवन में अनेक मौके आएंगे जब तुलना आपको करनी पड़ेगी, करिए तुलना, पर अपनी तुलना को बहुत गंभीरता से मत ले लीजिएगा, अपनी तुलना को सत्य मत मान लीजिएगा, यही विवेक है।